अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सर? शुरू करते हैं आज का न्यू ब्लॉग। आज जी हमारे जो है ना शिपू की कटिंग होनी है, तो वो भाई लेने गए हैं, रिक्शे वाला भाई, उसको जिस बाबा जी ने करनी है आदमी ने, तो इसकी कटिंग करवाते हैं। इसे लेके चलते हैं जी बाहर और मिलते हैं आपसे। A few moments later. जी तो अभी शिपू को ले आए हैं बाहर और वो भाई आ गए हैं, तो इसको पकड़ लिया। अब जी इसकी कटिंग शुरू होती है। ये जी शिपू की ना ये आज कटिंग स्टार्ट कर दी है भाई ने। ले जी हाफ जो है ना एक साइड से उतर गई है और काट तो कैंची से ही रहे हैं बाबा जी। कट शट नहीं लगा लेकिन जो है ना वो उठता है ये बार बार। जी एक साइड तो क्लियर हो गई है, मूंग वाली साइड से उतर रही है, बाकी तो जो है ना वो क्लियर हो गया। देखते हैं क्या निकलता है। जो ऊन थी उससे तो काफ़ी हेल्दी लगता था। अब जो है कपड़े होते हैं उनकी वो लगानी है जी। हमारे पास राख थी अंगीठी वाली जो इन पे जलाते रहे लकड़ियों की, तो बाबा जी कह रहे हैं कि वो वाली राख जो है ना वो नहीं लगती। ये जी देख लें और अंदर से जो है ना छोटी सी शिपू निकल और अंदर से जो है ना छोटी सी शिपू निकल आई है। छोटा सा निकला है बिल्कुल, ज़ाहिर ऊन थी तो काफ़ी हैवी हो रही थी, लेकिन अब जो है ये सेहत भी पकड़ेगा। वो तो बाबा जी बता रहे हैं कि ज़्यादा फिर कह रहे हैं ऊन तो लग दी है खादा पीता। अभी जो है माशाल्लाह से साफ़ हो गया है, पूरा मुँह भी उसका साफ़ कर दिया, तो मुँह तो बड़ा अजीब सा लग रहा है। और ये जो है कटिंग हो रही है मुसलसल, अभी इसके बाद जी फाइनल होती है तो आपको दिखाते हैं, क्योंकि ब्लॉग जो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा। ये देखें जी बस अभी यही थोड़ी सी रह गई है और जो है ना शिपू को हलचल भी हो रही, गुस्सा आ रहा है शायद। A few inches later. फाइनल लुक निकली है और अभी जो है ना इसे पकड़ते हैं और अंदर लेके चलते हैं। 2000 years later. जी शिपू को ले आए अंदर, इसे बांध दिया है जी। ये हमारा शिपू निकला जी, नन्ना मुन्ना सा। तो अभी कुछ दिन में आ जाएगी ऊन। वैसे जो है ना मेरा माइंड था कि यहाँ तक इसकी जो है ना ऊन बड़ी रखते, यहाँ गर्दन तक, लेकिन जो बाबा जी थे वो मैं अंदर आई हूँ, वो दरअसल थोड़ा मसला था। मिनी ने अंदर आवाज़ दी थी तो मैं अंदर आई, उतनी देर में उन्होंने जी कैंची चला चुके थे। अब वो कहते हैं कि ऊपर ऊपर सरकी रहेगी, तो मैं कहा अब इसका कोई फ़ायदा नहीं, अब आप जो है ना काट दें, खुद ही सेट हो जाएगा। और टेंशन ये बन गई थी कि इधर जो हमारी फीमेल है ना इस पेयर की रेड आइज में, उसकी एग बाइंडिंग हो गई थी, अंडा जो है ना वो फंस गया था उसका, अंडा उसने उससे डिलीवर नहीं, वो अंडा दिया नहीं गया, तो ये छोड़ी है और इसका जो है ना वो अंडा बिनी ने निकाला है। बड़ी मुश्किल इसको हाथ में पकड़ा है, दस्ताना पहन के और इसका अंडा निकाला है। जी ये रहा वो अंडा, ये देखें जी ज़रा, बिल्कुल इसकी वो खोल जो होता है ना सख्त वाला वो बना ही नहीं है इसका। ये देखें इस तरफ करते हैं थोड़ा क्लियर हो, इसका खोल जो है वो बना ही नहीं, तो जिस वजह से ना ये जो अंडा डिलीवर नहीं कर पाई। शेल सख्त होता है तो फिर वो डिलीवर हो जाता है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि हमारी जो है ना बजीज फीमेल जो है वो बच गई। ये बैठी हुई है अभी, इसको सेपरेट छोड़ा, अभी इसे जो है ना दवाई वगैरह दी है। इधर से नज़र आओ तुम, ये रही जी सामने, अभी जो है इसे दवाई वगैरह दी है और पहले से तो एक्टिव है। ये देखिए जी मुन्नी कहाँ हो, ये रही जी, शुक्र है अल्लाह का अब ठीक है, दवाई वगैरह दे दी है, तो अब जो है ना इसको थोड़ी देर तक वापस इसके केज में छोड़ देंगे। अभी फ़िलहाल इसको जो ये हमारा सेपरेट केज है उसमें रखा हुआ है, वो पीछे गुच्ची अपनी आदतें करते हुए, गुच्ची ने अंडा दिया हुआ है लेकिन जो है दूसरा शायद नहीं दिया अभी,
चलें गुच्ची दे लो अंडा दूसरा तुम भी। इसी के साथ करते हैं जी आज के ब्लॉग का एंड, मिलते हैं इंशाल्लाह न्यू ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।